नवरात्रि के 9 दिवसीय पावन पर्व माँ दुर्गा विसर्जन के साथ समाप्त हो गया। धनबाद के विभिन्न जगहों पर लगे दुर्गा पंडाल आज उठ गए। इसके साथ जिन लोगों ने 9 दिन का व्रत रखा उनका व्रत समाप्त हो गया। माँ के विसर्जन में भक्तों का तांता लगा रहा। गाजे बाजे के साथ प्रतिमा को विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान कोई घटना न घटे इसको लेकर धनबाद पुलिस काफी सक्रिय रही। यातायात को सुचारू रूप से चलाते रहे इसको लेकर पुलिस साथ साथ चलती रही। वहीं माँ के विसर्जन से पहले महिला ने माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर प्रार्थना किया। सदा सुहागन और खुशियों भरे रहे जिसको लेकर आपस में महिला एक दूसरे को सिंदूर लगाए और आशीर्वाद लिया। दुर्गा देवी का आज विसर्जन है। दशमी का दिन त्यौहार में हम लोग विधिवत 9 दिन पूजा पाठ करके आज दशमी को विसर्जन करते हैं और यहाँ वर्षों से होते आ रहा। हम लोग पूर्वजों ने इस दुर्गा मंदिर का पूजा स्टार्ट किया है, उसको हम लोग निर्वाह बहुत अच्छे से ढंग से प्रशासन के जो भी दिशा निर्देश मिलता है उसको लेकर हम लोग चलते हैं। और यहाँ का वॉलंटियर जितना भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबका सहयोग से दुर्गा पूजा बहुत सुंदर धूमधाम से हुआ और आज विसर्जन हम लोग का हुआ। उस बंगला स्थान में शिव मंदिर प्रांगण में महा दुर्गा जी की पूजा संपूर्ण हुई। आज विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए माँ का कृपा वर्षे और सभी को विजयदशमी की शुभकामनाओं के साथ बोलिए सच्चे दरबार की जय, बोलिए जगदम्बा माता की जय। कब विजयदशमी का दिन है, आज विसर्जन का दिन है। माँ को विदा करना तो नहीं चाहते लेकिन विदा करना तो पड़ेगा ही। अगले साल फिर माँ वापस आएगी। माँ की कृपा विजयदशमी के दिन हम सब पे इसी तरह बने रहे। ये फूस बंगला की दुर्गा पूजा समिति की व्यवस्था बड़े अच्छे से संपन्न होती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई और आज माँ को जब अंतिम विदाई हम लोग दे रहे हैं, माँ को सिंदूर भर के माँ की मांग में और खोइचा भर के, और माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हर वर्ष इसी तरह हम सभी पे अपना आशीर्वाद बना के रखें और हम लोगों का सुहाग बना रहे। हम लोग सब माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जैसे हंसी खुशी से आई हैं वैसे ही अपनी कृपा और आशीर्वाद बरसाते हुए यहाँ से विदा लें। जय माता दी, जय माता दी। रश्मि कपिला। माँ का 9 दिन पूजा होता है, हम लोग इस समय पूजा सबको मिलजुल के करते हैं और 9 दिन के बाद माँ को विदा करने का दिल नहीं करता लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हम लोग को विदा करना ही पड़ता है। और अगला साल इस तरह जिस विदा कर अगला साल भी हम लोग उस तरह खुशी खुशी आए हैं, माँ को फिर उस तरह से फिर पूजा करेंगे। नवरात्रि का 9 दिन हम लोग बहुत धूमधाम से उपवास रख के ये पूजा मनाते हैं और माँ दुर्गा का विसर्जन हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, सारी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, बहुत धूम से मस्ती करते हैं। माँ को सेवा के हम लोग आए, साल भर पर आते हैं, 9 दिन हम लोग का सेवा हम लोग बहुत अच्छे तरह से उनको करते हैं। माँ मानते हैं बाल बच्चा के लिए बोधी खुश है, उनको 9 दिन सेवा करके 10वां दिन में उनको विदाई देते हैं। माँ के विदा करने को तो नहीं मन करता है लेकिन क्या करें, माँ को ऐसा अच्छा लिया कि माँ उनको विदा करना पड़ता है। मांग खोसा भरते इसलिए कि बाल बच्चा को सुखी शांति मिले, भर पेट याद बाल बच्चा को दे, दीदी नतू सबको उगा के रखे। आज यहाँ हम सभी माता के दरबार में आए हैं और आज हमारी माता का विदाई है। पूरे 10 दिन आज हमारी माता हमारे साथ रही है और हमें इस बीच बहुत खुशी हुई है माँ को इस दरबार में देख कर। और इस बीच हमने बहुत सारी खुशियाँ हम सब ने प्राप्त की हैं और सदा ही इस पावन पर्व को हम सब साथ में मनाते रहेंगे। इसलिए जय माता।